Hello students, welcome to online class AD. Last day we have discussed about division of algebraic expression. Now we will discuss today algebraic equation. बच्चों कल हम लोगों ने देखा था कि algebraic expression में division कैसे होता है, divide कैसे होता है. आज हम लोग discuss करने वाले हैं algebraic equation के बारे में. और algebraic equation में basically आज हम लोग discuss करेंगे कि किस तरह से word problem को किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं. ज्यादातर मैथ्स की जो प्रॉब्लम है ना वो वर्ड प्रॉब्लम पे अटकी हुई है. सबको आ रहा है कैलकुलेशन, प्लस माइनस डिवाइड इनटू एलसीएम एचसीएफ सबको आ रहा है. प्रॉब्लम आता है बच्चे थोड़ा सा वहां पर क्वेश्चन टफ समझने लगते हैं. लेकिन आज मैं वो सारी जो भी कंफ्यूजन है वो आज मैं दूर कर दूंगा. और आज से आप भी वर्ड प्रॉब्लम को 100% अप्रोच कर पाओगे. सो व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक इक्वेशन. सबसे पहले अलजेब्रिक इक्वेशन का मतलब समझते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने देखा था कि कॉम्बिनेशन होता है किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल का, और उसमें ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस डिवाइड इनटू. लेकिन इस कॉम्बिनेशन में, अलजेब्रिक इक्वेशन के कॉम्बिनेशन में एक और टर्म जुड़ जाएगा, दैट इज इक्वालिटी, मतलब इक्वल का साइन. अभी तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने इक्वल साइन का उपयोग नहीं किया था. लेकिन अभी जो हम लोग करने वाले हैं, प्लस माइनस डिवाइड इनटू कांस्टेंट और वेरिएबल के अलावा इक्वालिटी का साइन आएगा. दैट इज कुछ हम लोग इस तरह से लिख पाएंगे, सपोज 4x² + 2 = 3, कुछ ऐसे लिख पाएंगे. यहां देखिए इक्वल टू का साइन आ गया. यहां तक जो हमने पढ़ा था वो क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था. क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम ये इक्वालिटी का साइन को जोड़ देते हैं. ये क्या है, इक्वालिटी है ना. इक्वालिटी के साइन को अगर हम जोड़ देते हैं तो इसके दो पार्ट बनते हैं. ये वाला भाग क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, राइट हैंड साइड. यानी समझ लीजिए कि ये जो इक्वालिटी है ये बाउंड्री लाइन है. इसके बाई तरफ LHS कहलाता है, लेफ्ट हैंड साइड, और इसके दाहिनी तरफ RHS कहलाता है, राइट हैंड साइड. तो बेसिकली एक अलजेब्रिक इक्वेशन के दो पार्ट होंगे, बाउंड्री के लेफ्ट साइड वाला LHS और बाउंड्री के राइट साइड वाला RHS कहे जाएंगे, ठीक है. और ये इक्वालिटी के साइन आने पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाता है. क्लियर. मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन हो, ठीक है. मैं इसका डेफिनेशन बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना. आई होप कि आपके समझ को हम लिख पाएंगे. व्हाट इज अलजेब्रिक इक्वेशन. तो द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग इक्वालिटी, राइट, इक्वालिटी इज कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन. मतलब वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी का साइन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं. एक्सप्रेशन और इक्वेशन में बस इतना ही फर्क है कि एक्सप्रेशन में इक्वालिटी का साइन, इक्वल का साइन नहीं होता है, और इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है. फॉर एग्जाम्पल 6x + 2 = 4, यहां पर देखिए इक्वल का साइन आ गया. 7x - 9 = 3, ठीक है, कुछ इस तरह से. तो ये सारे के दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या, अलजेब्रिक इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है. आगे देखते हैं कि हम इस किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को हम एक्सप्रेशन में ढाल पाएंगे. बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा था कि एक्सप्रेशन जो है वो कई तरह के होते हैं. उनमें पढ़ा था कि लीनियर होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं. इस तरह से यहां पर भी अलजेब्रिक इक्वेशन में भी आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगा, यानी जिसका डिग्री 1 होगा. अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस क्लास वाला देख लीजिए, मैं सजेस्ट कर रहा हूं, और फिर इस पे आए. लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह से इक्वेशन मतलब टाइप्स में बांटा गया है. तो फिलहाल अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन पर ही रहेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकते हैं.
ये इसलिए क्योंकि अभी आपका सिलेबस जो है वो लीनियर इक्वेशन के लिए ही है। आई होप आप लोग इसे अपने कॉपी में लिख लिए होंगे। मैं इरेज कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ थोड़ा कैसे कुछ। सपोज पहला एक्सप्रेशन जो है फोर मोर देन अ नंबर, ठीक है, हमें क्या करना है फोर मोर देन अ नंबर को एक्सप्रेशन में बदलना है। अभी तो ये वर्ड में है, इसे क्या करना है एक्सप्रेशन में बदलना है, ठीक है। तो क्या बोला गया फोर मोर देन अ नंबर, तो अ नंबर कौन सा मुझे नहीं ना पता। तो हम लोग ज्यादातर मैंने बताया था कि एक्स है वो वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल ज्यादातर एक्स से डिनोट करते हैं हम। तो नंबर कोई भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 15 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो नंबर की जगह पे क्या मान लेंगे एक्स, यानी कि नंबर की जगह एक्स मान लेंगे। सपोज लेट द नंबर बी एक्स, तो उससे कितना ज्यादा बोला है 4, मतलब कि ये हो जाएगा 4x प्लस 4। अगर यहां बोलता 10 मोर देन अ नंबर, ठीक है, तो ये होता x प्लस 10, ठीक है। ऐसे बोलता 6 लेस देन अ नंबर, तो क्या होता 6 लेस देन मतलब 6 कम, तो x माइनस 6, समझ रहे हो। ये चीजों को जो है ना आप अच्छे से समझो, बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाएंगे। 4 टाइम्स अ नंबर, 4 टाइम्स अ नंबर मतलब 4 इंटू एक्स, 4x। मैंने बताया था ना कि इंटू का साइन जो होता है बाय डिफॉल्ट होता है, इंटू का साइन आपको यहां दिखेगा नहीं, बल्कि वो क्या साथ में चिपका हुआ टाइप रहेगा, 4x। 5 9 टाइम्स अ नंबर मतलब 9x 6 1/4 ऑफ अ नंबर क्या हो जाएगा 1/4 मतलब 1/4 1/4 ऑफ का मतलब इनटू एक्स, नंबर को हमने कितना मान लिया एक्स। अब जरा गौर फरमाइएगा ये x / 4 हो जाएगा, ठीक है। जब हमने मोर देन बोला तो आपने प्लस लगाया, जब मोर देन बोला तो प्लस लगाया, लेस देन बोला तो माइनस लगाया, टाइम्स बोला टाइम्स, टाइम्स मतलब क्या होता है 4 टाइम्स मतलब 4 गुना, तो 4 गुना x 4x, 9 टाइम्स मतलब गुना 9x, 1/4 1/4 मतलब 1/4 ऑफ मींस क्या इनटू, इनटू होता है ना इनटू, और आ नंबर का मतलब x, नंबर की जगह पे हमें x मानना है और बाकी जो एक्सप्रेशन कह रहा है उस हिसाब से हमें उसे ढाल देना। अभी तक जितना भी इक्वेशन आप देख रहे हो ये एक्सप्रेशन है, अब देखते हैं थोड़ा और इससे टफ क्या हो सकता है। सम ऑफ एक्स एंड वाई, सम ऑफ एक्स एंड वाई मतलब सम मतलब एड, एक्स प्लस वाई है ना, कुछ ऐसे रहे डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा एक्स माइनस वाई, ठीक है, कुछ ऐसे रहा प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, कुछ ऐसे रहा x डिवाइडेड बाई वाई क्या हो जाएगा x डिवाइड वाई, हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था फर्स्ट डे जब इंट्रो क्लास चल रहा था इंट्रोडक्शन का जब एक्सप्रेशन का, तो मैंने बताया था सेकेंड 9 टाइम्स x एडेड टू 4 टाइम्स y, ठीक है, 9 टाइम्स x एडेड टू 4 टाइम्स y मतलब 9 टाइम्स x मतलब 9x एडेड टू मतलब प्लस 4 टाइम्स y मतलब 4y, तो यहां से देखिए यहां से क्या आएगा 9x, यहां से क्या आएगा 4y आएगा और एडेड टू मतलब प्लस, तो मिले कह सकते हैं 9x प्लस 4y, क्लियर आप लोग समझ रहे हो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम लेवल क्वेश्चन का जो है एक्सप्रेशन का थोड़ा बढ़ाते जाएंगे ताकि आप लोग जो है उसी अनुसार से ढल सको, क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जाओ। क्वेश्चन है 1/4 ऑफ एक्स लेस देन वाई, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा ये 1/4 ऑफ एक्स लेस देन वाई, किससे लेस देन वाई से ना, कितना लेस देन 1/4 ऑफ एक्स,
मतलब y less than का मतलब माइनस वन फोर्थ ऑफ x, मतलब वन फोर्थ ऑफ x हो गया। यानी हम ऐसे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस x अपॉन फोर, क्या कुछ ऐसा सिक्स टाइम्स y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हाफ ऑफ x, क्या बोला है सिक्स टाइम्स y, मतलब सिक्स y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब इससे माइनस किया जा रहा है इससे हाफ ऑफ x से, ठीक है। तो हाफ ऑफ x मतलब x by 2, कितना माइनस करना है सिक्स टाइम y, सिक्स y, क्लियर। x अपॉन 2 माइनस सिक्स वाई, ये हो गया ना। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में आते हैं। 4 मीटर अपवर्ड, 4 मीटर अपवर्ड को कैसे लिखेंगे, 4 मीटर अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ ना, जब ऊपर का बात होगा, फायदा का बात होगा, ज्यादा का बात होगा तो प्लस लगाएंगे, प्लस 4m। अच्छा अगर हम लिखे 4 मीटर डाउनवर्ड तो क्या होगा माइनस 4 मीटर। अगर मैं बोलूं राम डिपॉजिटेड 7000 रुपीज इन हिज अकाउंट, तो इसे कैसे डिनोट करेंगे, प्लस से कि माइनस से। डिपॉजिट किया है मतलब जमा किया है, जमा किया मतलब बढ़ा है, तो क्या होगा प्लस 7000, ठीक है। प्लस माइनस कहां पर क्या लगाना है बता रहा हूं। राम विदड्रॉवल, विदड्रॉवल 7000 रुपीज फ्रॉम हिज अकाउंट, अकाउंट से क्या किया है 7000 क्या किया है वो विदड्रॉ किया, विदड्रॉ किया है मतलब विदड्रॉ करना मतलब निकालना, ठीक है। वो पैसे को क्या किया है निकाला है, जिसको निकासी भी कहते हैं। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट का मतलब जमा किया, ठीक है। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है जमा किया, तो जब निकाला है तो 7000 कम हो जाएगा ना उसके अकाउंट में, तो माइनस 7000, ठीक है, कुछ इस तरह का। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आते हैं इक्वेशन पे। अभी तक आप लोग बहुत चीज गेन कर लिए होंगे, Meanwhile, I raising, can you tell me 4 meter east can be represented as east, मतलब plus 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 meter north plus 4, लेकिन west और south का बात आएगा तो minus लगाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, 4 times y is equal to 40। अब देखिए यहां से मेन क्लू हमारा आ गया, जिसे हम खोज रहे थे ना, टटोल रहे थे, वो आ चुका है। 4 टाइम्स वाई, क्या आप इसे कह सकते हो 4 वाई, और इज इक्वल टू, इज जहां आ गया ना समझ लो वहां पर इक्वल टू लगा हुआ है, इज इक्वल टू हाउ मच 40, तो हम कह सकते हैं 4 वाई इज इक्वल टू 40। अभी सॉल्व नहीं करना है, बस लिखना है कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो इसे हम डिनोट कर लेंगे 4 वाई इज इक्वल टू 40। अगर कुछ ऐसा बोला जाए 9 टाइम्स 4 equals to 3, sorry 9 times 4 equal to कितना हो जाएगा 36, है ना। 9 times 4 equals to how much 36, मतलब 9 times 4 मतलब 9 into 4 equal to 36। तो देखिए कुछ ऐसा, मतलब इसे कहने का सेंस यही था कि 9 times 4 जो है वो 36 के equal होगा, क्लियर। अगर मैं ऐसे बोलूं 6 divided by a number equals to 40, ठीक है। 6 divided by a number equals to 40, मतलब 6 एक नंबर से डिवाइड किया जा रहा है जो कि 40 के बराबर है, किसके बराबर है 40, कौन सा नंबर, यानी ये नंबर किसके इक्वल है 40 के नंबर बराबर इक्वल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 6, ठीक है। थोड़ा सा ये डिफरेंट लग रहा होगा आप लोगों को, यहां पर आ नंबर को ही बता दिया गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 6 डिवाइडेड बाय अ नंबर
रिजल्ट्स 40, तो क्या होता है ये 6 डिवाइडेड बाय अ नंबर, 6 को एक नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, 6 को क्या कर रहे हैं एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 6 डिवाइड 40, 6 डिवाइड x इज इक्वल टू 40, 6 डिवाइडेड बाय अ नंबर यानी 6 डिवाइडेड बाय अ नंबर की जगह कितना है x है और रिजल्ट कितना आता है 40 आता है, ठीक है। 6 डिवाइड अ नंबर इक्वल्स टू 40, अच्छा ये इसमें भी कुछ इस तरह का होगा ना, 6 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। सॉल्व नहीं करना है अभी, बस बताना है कि किसके इक्वल होगा। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अलजेब्रिक इक्वेशन जो है मैं उसे धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहा हूँ, ताकि ना है आप बस देखते ही रहो, अभी तो मेहनत नहीं करनी, अभी तो बस आपको देखना है क्वेश्चन। 9 टाइम्स एक्स अ नंबर इज एडेड टू 4 टाइम्स अनदर नंबर इक्वल अनदर नंबर गिव्स 72। जरा से इसे गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, 9 टाइम्स अ नंबर इज एडेड टू 4 टाइम्स अनदर नंबर, मतलब एक नंबर का 9 टाइम्स कह सकते हैं 9x एड किया जा रहा है इससे 4 टाइम्स अनदर नंबर, तो एक नंबर को तो हम x मान लिए, अब अनदर नंबर मतलब दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर को y मानेंगे तो 4y, और गिव्स का मतलब इक्वल टू 72, मतलब इसको इससे ऐड करते हैं तो क्या देता है 72 देता है, ये हो गया। अब आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू 80, फाइंड द नंबर, ठीक है। यहां से आपसे पूछना स्टार्ट किया गया है कि 4 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू 80, फाइंड द नंबर, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 टाइम्स अ नंबर मतलब क्या 4x टाइम्स अ नंबर, अ नंबर की जगह x लिखें, और इक्वल टू का मतलब इक्वल टू 80, तो हम क्या करेंगे x हमें निकालना है ना x, तो x को यहीं छोड़ेंगे और 4 कहां चला जाएगा LHS से RHS में, LHS से कहां चला जाएगा RHS में, यानी 80 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 20, यानी x का वैल्यू जो है वो 20 आंसर है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखते हैं इसी तरह का क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 टाइम्स अ नंबर एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ दैट नंबर गिव्स 26, फाइंड द नंबर, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे है, ये क्वेश्चन कहीं भी आप ढूंढना चाहोगे नेट पे बुक पे नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सेल्फ जनरेटेड क्वेश्चन है, और ये डिपेंड करता है आपकी समझ पे कि क्वेश्चन को आप कितने अच्छे तरह से समझ रहे हो, क्योंकि इसमें कॉपी पेन की भी आवश्यकता नहीं हो सकती, या फिर कर भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो ताकि बेहतर कर पाओ। 9 टाइम्स अ नंबर, 9 टाइम्स अ नंबर का मतलब क्या हो गया, 9 टाइम्स अ नंबर मैंने बताया था अ नंबर जहां भी रहेगा उसे x मान लेना, तो 9 टाइम्स अ नंबर मतलब 9x एडेड टू है प्लस 4 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, 4 टाइम्स उस नंबर का मतलब यही नंबर ना, किसका 4 टाइम्स, तो 4x और इक्वल टू कितना बोला है देखिए, गिव, गिव का मतलब क्या 26, गिव मतलब दे रहा है 26, मतलब गिव्स, गिव्स रहे रिजल्ट रहे इज इक्वल टू रहे, इक्वल टू ही कहलाता है, ठीक है। तो देखिए 9x और 4x जब हम एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता रहे थे तो लाइक टर्म्स बताए थे, देखिए यहां भी x वेरिएबल वाला है, ये भी x वेरिएबल वाला है, समझ लीजिए 9 पेन और 4 पेन, कितना पेन 13 पेन, मतलब 9x और 4x 13x बराबर 26 है ना,
तो x is equal to 26 upon 13. ऐसे x is equal to 26 upon 13 because here 13 is in LHS and 26 is in RHS. We have to send 13 into RHS, right? So here is in multiply, and if we change transfer it from LHS to RHS, it comes here, right? So 13 to the 26. So x is equal to 2. 2 is the answer. ठीक है, आप थ्रू भी कर सकते हो. 9 टाइम्स आर नंबर, नंबर की जगह 2 आया तो 9 टाइम्स मतलब 9 टू जा 18, 4 टाइम्स मतलब 4 टू जा 8, 18 प्लस 8 26 आ रहा है. ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए आप लोग. 10 डिवाइडेड by a number gives 10 divided by a number gives मैं फिर बताऊं, smallest या फिर gives an even prime number. Find the number. बहुत ही अट्रैक्टिव क्वेश्चन है, इसे समझने की कोशिश कीजिए. 10 डिवाइडेड बाई अ नंबर मतलब एक नंबर कोई भी हो सकता है 10 को डिवाइड करता है. मुझे नहीं पता कि 10 को किससे डिवाइड करना है, बट वो कोई भी एक नंबर है. और जब डिवाइड करते हैं ना तो कितना आता है, एक इवन प्राइम नंबर आता है. कितना आता है, इवन प्राइम नंबर. एंड यू वेल नो एन इवन, ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2. 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो इवन भी है प्राइम भी है. तो क्या बोला जा रहा है, 10 को डिवाइड करना है एक नंबर से, मतलब 10 को हमने डिवाइड किया x से. एक नंबर का मतलब क्या समझना है, x समझना है. क्या दे रहा है, गिव्स मतलब इक्वल टू इवन प्राइम नंबर मतलब 2 दे रहा है कि नहीं, क्या दे रहा है, 2. तो बच्चों जब हम किसी चीज को LHS से RHS में चेंज करेंगे ना तो उसके साइन चेंज होते हैं, मतलब 10. ठीक है, अब एक काम करते हैं, इनटू डिवाइड x है ना, उसको इस साइड भेज देंगे ना तो इनटू x हो जाएगा. देखिए 2 इनटू x. अब यहाँ पे इस साइड जब ये वाला चीज को पूरा को हम राइट साइड भेजेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा ना, ये बाउंड्री लाइन जो इक्वल टू है 10 बचा. तो ये हो गया, तो 10 बराबर 2x. अब देखिए तो हमें x चाहिए सिर्फ, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 10 और 2 आ जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा. ठीक है, x इज इक्वल टू 5 लिखो चाहे x इज इक्वल टू इधर 5 लिखो, एक ही बात है. तो x इज इक्वल टू 5 यानी वो नंबर क्या होगा, 5 होगा. देखिए 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक इवन नंबर प्राइम नंबर आएगा 2. ऐसे भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, डेफिनेटली मैं समझाऊंगा. राम इज 5 इयर्स ओल्डर देन हिज कजन रमनीत इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 35 इयर्स find their age is this. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम जो है वो अपने कजन रमनीत से 5 साल बड़ा है. देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, राम इज 5 इयर्स ओल्डर देन हिज कजन रमनीत. राम जो है अपने कजन रमनीत से कितना साल बड़ा है, 5 साल ओल्डर है. ओके, If the sum of their ages is 35 years, और उन दोनों के एज को अगर हम ऐड करते हैं तो 35 years आता है. बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा a little bit, बहुत थोड़ा सा टफ है. तो एक काम करते हैं, ना तो राम का एज हमें पता है ना तो रमनीत का एज पता है, लेकिन हमारे पास एक क्लू है. आप इंटरेस्टेड हो ना क्लू मिलने पे पहेलियां को सॉल्व करने में, समझ लीजिए वही है. माइंड मेकअप कर हो जाएगा आपका, समझ ले ब्रेन टीजर.
ना राम का एज पता है हमें, ना रमनीत का एज पता है। सीधा पता है क्या, दोनों को जोड़ करके 35 साल आना चाहिए। वो 30 और 5 होगा क्या? नहीं। 25 और 10 होगा क्या? कुछ भी हो सकता है भाई, बट 35 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 35। लेकिन एक क्लू हमारे पास है कि राम जो है ना वो 5 साल बड़ा है रमनीत से। तो राम जितना भी होगा उसे 5 साल बड़ा होगा रमनीत से। तो समझ लीजिए राम जो है, लेट द एज ऑफ राम इक्वल टू 5x ईयर्स। कोई दिक्कत? राम का एज कितना मान ली? 1x ईयर्स। तो रमनीत का एज कितना होगा? इससे 5 साल बड़ा है ना वो। सॉरी, राम कौन बड़ा है? राम बड़ा है ना। अच्छा, रमनीत का मानना पड़ेगा हमें ना, रमनीत का 1x ईयर्स। पता है क्यों? क्योंकि रमनीत से 5 साल बड़ा है। तो रमनीत अगर 10 हुआ तो राम 15 होगा, रमनीत अगर 15 हुआ तो राम 20 होगा, रमनीत अगर 20 हुआ तो राम 25 हुआ। बातों ही बातों में मैंने आंसर बोल दिया क्वेश्चन का, पता नहीं चला ना? कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। रमनीत का एज एक्स हो गया तो राम का कितना होगा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि रमनीत जो है वो राम से 5 साल बड़ा है, मतलब एक्स प्लस 5। ठीक है, रमनीत का मतलब राम का एज कितना हो जाएगा? यहाँ राम होगा ना, राम का एज कितना हो गया? एक्स प्लस 5। देखो 5 साल बड़ा है राम रमनीत से। अब दोनों का एज का सम, अगला क्वेश्चन अगला लाइन कह रहा है कि दोनों का एज का सम यानी रमनीत का प्लस राम का, तो रमनीत का प्लस राम का दोनों को जोड़ते हैं ना, कितना आना चाहिए? 35। तो चलो एक्स प्लस एक्स 2x, ये तो 5 जोड़ेगा नहीं, 5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगर ये चीजें आपको सॉल्व करने नहीं आ रही है तो मैं कह रहा हूँ अलजेब्रा सीरीज आप पूरा देख लो, 2-3 सीरीज ही हुए हैं अभी, बहुत ज्यादा पीछे नहीं हो, देख लो क्लियर हो जाएगा सारा चीज। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 35, 2x इज इक्वल टू 35 माइनस 5, ये वाला 5 चला जाएगा RHS में, है ना? तो 35 माइनस 5 5, यानी LHS में 2x है और उधर कितना है? इधर 2x इज इक्वल टू 35 माइनस 5 30 होगा, सॉरी, और x इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 15। x का वैल्यू कितना आ गया? 15 आ गया। x किसका एज माने थे? रमनीत का। किसका एज माने थे? रमनीत का। रमनीत का एज कितना है? 15। तो राम तो उससे 5 साल बड़ा ही था ना, तो 15 5 20, hence रमनीत एज इज इक्वल टू 15 ईयर्स एंड राम्स एज इज इक्वल टू 15 प्लस 5 20 ईयर्स। अब 15 प्लस 20 35 भी हो जा रहा है, जो दोनों को जोड़ करके बोला गया था, है कि? तो ये चीजें हो गई क्लियर। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। आप वीडियो पॉज करके कॉपी में इसे लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अच्छा चलो क्वेश्चन। राम इज रनिंग 5 मीटर पर सेकेंड फास्टर देन श्याम। राम इज रनिंग 5 मीटर पर सेकेंड फास्टर देन श्याम। इफ वी एड द स्पीड्स ऑफ बोथ इट विल गिव्स 25 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ राम। ठीक है, क्वेश्चन में समझा दूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम इज रनिंग 5 मीटर पर सेकेंड फास्टर देन श्याम। राम 5 मीटर प्रति सेकेंड फास्ट दौड़ रहा है श्याम से। किससे दौड़ रहा है? तेज श्याम से। और यदि श्याम और राम के स्पीड को अगर हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो जो टोटल स्पीड है वो कितना आ जाता है? 25 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है राम का स्पीड। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये होमवर्क है, एकदम पिछला ही क्वेश्चन के जैसा बनेगा, बस नंबर चेंज है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, तरीका वही है, समझ लीजिए वही क्वेश्चन ही है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। इसका आंसर मैं कमेंट
मैं दे दूंगा, क्लियर? आप लोग देख लेना वहां से। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? नहीं लिया कोई बात नहीं, 10 सेकेंड आप पीछे कीजिए और वीडियो पॉज कीजिए, पॉज करके क्वेश्चन उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 18, फाइंड द नंबर। क्या बोला जा रहा है कि एक संख्या का 2/5 भाग कितना है? 80 है। तो आपसे बोल रहा है वो नंबर क्या है? क्या दिया हुआ है? 2/5 ऑफ अ नंबर, मतलब एक संख्या का 2/5। तो भाई 2/5 ऑफ अ नंबर के जगह क्या मानेंगे? x, और इज का मतलब इक्वल टू, 80 है ना। चलो ठीक है, ये सॉल्यूशन कर लिया। तो 2/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80, और x को यहीं छोड़ना है, 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 40 बार में यानी 200 आंसर, 45 से 200। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इजी था, है ना? कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ 3 कंजीक्यूटिव, द सम ऑफ 3 कंजीक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 45, फाइंड द नंबर। से क्या बोला जा रहा है कि 3 लगातार विषम संख्याओं का जो सम है वो 45 है। 3 लगातार विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स का जो सम है वो कितना है? 45। तो एक काम करते हैं, 3 लगातार कौन सा? तो ऐसे केस में सबसे पहला यानी कि फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट ऑड नंबर्स इक्वल टू क्या मानो? x मानो। तो सेकेंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑड नंबर, सपोज तीनों लगातार ऑड नंबर होना चाहिए ना। अगर मैं पूछूं 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर कौन सा है, 1 के जो जस्ट बाद आ रहा, तो 2 नहीं होगा, 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 11 होगा, मतलब 2 2 2 2 ऐड करते जा रहा है। तो अगर फर्स्ट x मानेंगे तो दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा, और थर्ड ऑड नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस कितना? 4, है ना, x प्लस 4। अब बोला जा रहा तीनों का सम, तो चलिए सम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, और तीनों का सम कितना दिया? 45 दिया, ठीक है। तो ये x x x 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 45, अब ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 45 प्लस 6, उस साइड जा करके माइनस 6 हो जाएगा, एंड वी हैव लेफ्ट विद 3x is equal to 39, and x is 3 आ जाएगा इधर 13। फर्स्ट कितना आ गया? 13 आ गया। तो अगला ऑड नंबर होगा 15, और उससे अगला 17, यानी कि required odd numbers is equal to 13, 15 and 17। क्लियर? समझ में आ रही हो? तो ये चीजें क्या है, ये चीजें क्लियर हो गई? क्वेश्चन बहुत ही इजी तरह से बनाया जा सकता है। अगर किन्हीं क्वेश्चन में आपको दिक्कतें आती, कमेंट में आप क्वेश्चन पोस्ट कर दो। कल मैं इसका एक क्लास और दूंगा जिसमें लेवल 2-3 के क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा टफ रहेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये अलजेब्रिक इक्वेशन भी आई थिंक खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर देना, ठीक है, या डायरेक्टली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम।